आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में और आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आप सभी के साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो है वो आप सभी के साथ शेयर करेंगे। जिनका भी एग्जाम आने वाला है, एसएससी का जो डेट जो है वो निकल चुका है, अगर बात करें इसका या फिर आपका सीजीएल का, और ग्रुप डी और एनटीपीसी वाले भी खास कर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर आप रिवीजन जरूर करना। जो भी एग्जाम देने जाने वाले हैं एनटीपीसी का या फिर ग्रुप डी का, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा, मैं आपको पूरा ए टू जेड बताऊंगा पीडीएफ डाउनलोड कैसे करना है, और आपको कुछ पीडीएफ मैं इस जो पहले दे चुका हूं उसका पार्ट टू भी जो है मैं आपको इस पीडीएफ में आज की क्लास में देने वाला हूं। तो ध्यान से एक बार देखो आप सभी जो भी मेरे भाई बहन है, अगर करंट अफेयर की बात करें, लेकिन हाँ दो क्लास अपना कम से कम दो से तीन क्लास आपको डेली अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन दे दे रहे वो तो ठीक है, लेकिन जो बाकी क्लास चल रहा है आपके एग्जाम आते आते और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कवर करवा दूंगा, ताकि एग्जाम में आप कम से कम जीके जीएस करंट अफेयर में अच्छा स्कोर कर पाओ। और आप सभी को पता है बहुत जन को ये टॉपिक बहुत हार्ड लगता है, कितना पढ़े भैया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। ध्यान से आप बस सुनना, पहले क्लास का टाइमिंग आप सभी नोट कर लेना, जो रात को करंट अफेयर हो रहा है कितने बजे, 11:30 बजे। इस क्लास में तो बहुत सारा डाउट आप सभी का पानी के तरह क्लियर हो जा रहा है। अभी तक जो रिवीजन क्लास है सुबह में 4:30 बजे वाला करंट अफेयर का 10 से 12 मिनट जो क्लास चल रहा है, 10 से 12 मिनट का करंट अफेयर में तो एक भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं, ये गारंटी लिखकर हमसे ले लो, क्योंकि मैं आप सभी को 400-500-600 क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, टोटल 5000 क्वेश्चन प्लस एक भी क्वेश्चन नहीं छूट रहे हैं, ताकि आप ये ना बोलो 400 क्वेश्चन याद कर गए हैं, 500 क्वेश्चन किसी सर ने बोला है, 500 क्वेश्चन कर लो इसके अंदर से आएगा। तो आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो सर का कुछ नहीं जाता है, जाएगा आपका। तो मैं बोल रहा हूं आपको पूरा पढ़ना है, ताकि एग्जाम से पहले कॉन्फिडेंस होकर जाओ आप सभी। तो अभी मैंने 5 महीने का करंट अफेयर जो है वो कंप्लीट करवा दिया है। रिवीजन की बात कर रहे हैं, ऐसे तो डेली क्लास सुबह में 4:30 बजे चल रहा है, अगर बात करें यहां पर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 5 महीने करंट अफेयर पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। बस करंट अफेयर नहीं, और इसका पीडीएफ जो है वो अप टू डेट कर दिया गया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या मैं अभी बताऊंगा डाउनलोड कैसे करना है, ध्यान से देखना। तो 5 महीने करंट अफेयर जो है वो कवर करवा दिया गया है रात को 11:30 बजे वाले क्लास में। बस करंट अफेयर कवर नहीं करवाया जाता है, यहां पर जो है आप सभी के जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, जो एग्जाम में क्वेश्चन वहां से भी बनता है, मान लो जो इंडिया का कैपिटल है, सीएम है या गवर्नर है, ये भी तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना। तो रात को 11:30 बजे वाले क्लास में आपको ये अलग से याद नहीं करना है एग्जाम से पहले, ये ऑलरेडी आपको याद हो जा रहा है। जिन्होंने 2 से 3 महीने क्लास भी देखा होगा ना, वो पक्का बोलेंगे भैया ये सब चीज मेरे मुंह में बैठ गया है, आपने ऐसे पढ़ा दिया है। तो बाकी आप क्लास देखो, अगर आप 20 दिन भी देखते हो ना, तो आप बोलेंगे भैया हम सभी को भी याद हो गया है। और क्या कवर करवाते हैं, तो जो अदर कंट्री के कैपिटल है वो पूरा, करेंसी पूरा आपको कंप्लीट करवा दिया गया है, प्लस अभी कंप्लीट का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, या आप बोलो पीएम और वहां के प्रेसिडेंट। अब कंप्लीट का मतलब क्या होता है, मान लो रसिया के बारे में प्रश्न उठा, तो एक महीना में रसिया से कितना क्वेश्चन बन सकता है, मान लो अगर डेली 15 क्वेश्चन बन रहा है, तो महीने में 450 क्वेश्चन में कम से कम 12 से 13 बार तो रसिया का नाम आएगा ही आएगा। तो मैं 12 से 13 बार आपको लिख कर बताता हूं रसिया के बारे में, वहां का मुद्रा, कैपिटल, करेंसी और वहां के प्रेसिडेंट। जैसे आप कोई पूछ दे भैया रसिया क्या होगा, तो 11:30 बजे वाले स्टूडेंट मुंह पर बोलेंगे भैया आप बता चुके हो रसिया का कैपिटल होगा आपका मॉस्को और वहां के
पीएम वहां के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन, और आप बोलोगे भैया वहां का जो मुद्रा है ना वो है आपका रशियन रबल। ये आपको मैं ये याद कर मैं नहीं आया हूं, आप मुझसे कुछ भी पूछो मेरे मुंह पर रहेगा, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में बैठ गया, तो आप भी पढ़ते पढ़ते बैठ जाओगे, ठीक है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं बार बार आप सभी को, एक ही बात मैं बोल रहा हूं, जब भी क्लास चलता है ना तो आप रिवीजन करने का सही तरीका क्या है, क्वेश्चन आता है आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है, आप क्वेश्चन का आंसर बोलो और जो भी चीज से जुड़ा हुआ है उसके बारे में फटाफट इंफॉर्मेशन अपने माइंड में बोल दो, रिवीजन हो गया, दोबारा आपको खोलने का जरूरत भी नहीं है। और जितने भी बैंक है उसके टैगलाइन है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो भी मैं कवर करवा दे रहा हूं, ताकि एग्जाम के टाइम ये सब दोबारा पढ़ना बिल्कुल भी आप सभी को ना पड़े, ठीक है। तो अभी भी आप कम से कम 30 दिन का भी करंट अफेयर देख लेते हो रात को 11:30 बजे वाला ना, तो ये सब टॉपिक आपका कवर हो सकता है। टाइमिंग कितना है, रात को 11:30 बजे। अब बात करते हैं, ये सारा पीडीएफ आप सभी को मैं देने वाला हूं, पहले भी 4 का अपडेट कर दिया गया, जून का नहीं किया गया था, ये भी मैंने अपडेट कर दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। प्लस अगर बात करें जीएस का, तो जीएस को लेकर मैंने आपको 1000+ क्वेश्चन पहले पार्ट में दिया था, फर्स्ट पार्ट में उसका पीडीएफ, वो सारे क्वेश्चन आपके हाल फिलहाल के एसएससी जेई आप बोल सकते हो सीजीएल एनटीपीसी के हाल फिलहाल के एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, तो उसका क्वेश्चन का पीडीएफ भी मैं आप सभी को दे चुका हूं, दोबारा दे रहा हूं, डाउनलोड कर लेना। प्लस जीएस का पार्ट टू पीडीएफ भी जो है, ये वाला भी जो है वो अपडेट कर दिया गया है, तो इसको भी आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा। जिसके पास पहला पार्ट है बहुत अच्छा बात है, जिनके पास दूसरा पार्ट नहीं है वो भी आप डाउनलोड कर लेना, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं मैं वो भी बता रहा हूं। प्लस अगर बात करें यहां पर जीके को लेकर, तो जीके का पार्ट वन में भी आपको जो है 1000+ क्वेश्चन दिया गया था। प्लस जीके का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एसएससी में बार बार और रेलवे में बार बार पूछा जाता है, उसका भी जीके का पार्ट टू पीडीएफ जो है वो अप टू डेट कर दिया गया है, तो कम से कम आप ये वाला डाउनलोड कर लेना, जिनके पास ये क्लास है ये वाला बहुत बढ़िया ये वाला आप डाउनलोड कर लेना। हालांकि मैं सबका लिंक दे दूंगा और डाउनलोड कैसे करना है वो भी बता रहे हैं। प्लस अभी आप सभी को पता है, अभी बजट से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है, एग्जाम में लिख कर ले लो बनेगा ही बनेगा, तो बजट का जो है ना वो सारा का सारा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक 40 से 45 क्वेश्चन है, वो सारा क्वेश्चन का पीडीएफ मैंने अपडेट कर दिया है, आप डाउनलोड कर लेना, कैसे करना मैं आप सभी को बता रहा हूं, ठीक है। बजट हो गया, और साथ ही साथ पीरियोडिक टेबल के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आप सभी को अप टू डेट कर दूंगा, इसका भी पीडीएफ जो है आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और जब जीएस का पार्ट खोलेंगे ना, तो यहां पर एसिड बेस लाइट पीएच मान सारा मेटल नॉन मेटल सारा पीडीएफ आपको इसमें मिल जाएगा, इसके अंदर टॉप 1000 के अंदर, तो सारे पीडीएफ काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप कृपया कर डाउनलोड कर लेना, और एसएससी और एनटीपीसी के एग्जाम से पहले इस पूरे को ना आप रट्टा मार डालो। और जितने क्लास चल रहे हैं, जीके की बात कर रहे हैं, आज मैथ रीजनिंग की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, बस बात कर रहे हैं जीके और जीएस में इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीज, तो इंपॉर्टेंट पीडीएफ मैंने आपको दे दिया। क्लास का टाइमिंग याद रखना, ताकि ये चीज भी आप करो, और जो क्लास चल रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वो भी आप कवर करते रहो। तो आप सभी को पता है इसका क्लास कब चलता है, तो आप सभी का ये क्लास चलता है कितने बजे, तो 2 बजे क्लास चलता है ये वाला दोपहर में, और ये जीके का इंपॉर्टेंट जो सभी पसंद करते हैं वो कितने बजे चलता है, तो शाम को 4 बजे चलता है ये क्लास, और वो दोपहर में 2 बजे। बस आपको 3 क्लास देखना है, एक तो 11:30 बजे वाला, दोपहर में 2 बजे वाला, और शाम को 4 बजे वाला। ये पीडीएफ सारा दिन कम से कम 50 या 100 क्वेश्चन अगर डेली पढ़ो, आप टारगेट बना लो ना कि मुझे डेली कितने क्वेश्चन कवर करने हैं, 100-100 क्वेश्चन डेली पढ़ो, प्लस ये 3 क्लास लो, आप अप टू डेट रहेंगे। अब ये बात में मत बोलना कि भैया आपने इंपॉर्टेंट नोट्स नहीं दिया,
भैया हमें कोचिंग सेंटर में जाना पड़ा, ये सब बहाना मत मारना। एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ आपको दे रहा हूं, आप रट्टा मार लो भाई। ये सब चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और मैथ रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक मैंने करवा दिया, ऑलमोस्ट रीजनिंग तो पूरा खत्म ही कर दिए। आप खुद बोलोगे भैया रीजनिंग में तो आप हमें एक्सपर्ट बना चुके हैं, बस आपको ये पीडीएफ पढ़ना है। और एक बात, आप कम से कम ना, मैं हमेशा बोलता हूं, आज भी बोला हूं, बोलते आया हूं, आप डेली एक स्पीड टेस्ट, मॉक टेस्ट जो बोलते हैं ना, आप वो लगाओ कम से कम। ये आपको डेली लगाना पड़ेगा। अगर आप एसएससी का एग्जाम का डेट जो है वो आउट हो चुका, आप सभी को पता है मार्च में एग्जाम है, तो एग्जाम से कम आप टेस्ट दो ताकि आप अपने आप को जज कर पाओ कि आप स्कोर कितना कर पा रहे हैं एग्जाम से पहले। ये तो अपने आप को जज करना ही पड़ेगा अगर अच्छे स्कोर आप सभी को करने हैं तब। अब हमारा एप्लीकेशन सक्सेस की 98 डाउनलोड करने के बाद आप एप्लीकेशन के ऊपर भी जाकर जो है वो मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मैं अभी दिखा रहा हूं आपको आप कैसे मॉक टेस्ट दे सकते हैं, अपने आप को जज कर सकते हैं। और आपको टेस्ट जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। और एक बात, अगर 349 वाला पैकेज बाय करते हो ना, तो पूरे साल भर के लिए आपको हर एग्जाम का, एसएससी का, रेलवे का, बैंक का, हर एग्जाम का सेट दिया जाएगा। अगर एसएससी की बात करें तो आप बोल सकते हो 100 से ज्यादा सेट आपको दिया गया है। आप सीजीएल का एग्जाम दो, एमटीएस का एग्जाम दो, 10+2 का एग्जाम दो, प्री का एग्जाम, तो सबके लिए ऑलमोस्ट मोटा मोटी सिमिलर है। तो आपको टोटल 100 सेट दिया गया। आप सेट लगाओ अभी से, जज करो कहां पर कितना तक मेरा नंबर जा पा रहा है, ये अपने आप को जज करना एग्जाम से पहले अगर अच्छा स्कोर करना है तब। और एक बात, ये पीडीएफ आप सभी डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, तो अगर आपके फोन में टेलीग्राम है तो टेलीग्राम में सर्च मारिएगा आप सभी सक्सेस की 98, आपको वहां पर सारा पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। अगर टेलीग्राम आपको पता नहीं है कैसे डाउनलोड करना है क्या, उसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो टेलीग्राम पर क्लिक कर आप डायरेक्ट वहां से भी पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखो आपको एग्जाम का जो टेस्ट है वो देना कैसे है, तो करना क्या है ध्यान से देखिएगा। एक बार आप अपने फोन में प्ले स्टोर ओपन करेंगे, प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहां पर आपको टाइप करना है सक्सेस की 98, ठीक है। सक्सेस की 98 जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने ये खुल जाएगा, ऊपर वाले को आपको ओपन करना है। मेरे फोन में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा और इसको ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके पास ये पेज नहीं खुलेगा। अगर फर्स्ट टाइम आप डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको बोलेगा अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर और एक पासवर्ड बना दीजिए जो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो वो ईमेल आईडी, फोन और पासवर्ड लगाकर रजिस्टर्ड होने के बाद आप उसी फोन नंबर और जो पासवर्ड बनाए हैं उसके द्वारा लॉगिन हो जाइएगा, या फिर उस ईमेल आईडी और उस पासवर्ड के सहायता से, ठीक है। आने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर देखेंगे आप सभी के पास बहुत सारा रेलवे, इंश्योरेंस, एसएससी, बैंक, सभी का हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट आपको दिया गया है, जो आपको पूरे एक साल तक इसका वैलिडिटी रहेगा, या फिर एक साल तक जितना भी एग्जाम आएगा हर एक एग्जाम का टेस्ट आपको दिया जाएगा। जैसे मैं आपको रेलवे का खोल कर दिखा दे रहा हूं और बाई कैसे करना है यह भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे आपने रेलवे का खोला तो ऊपर में देख रहे हैं आप सभी एनटीपीसी लेवल 1 ग्रुप डी, जेई एएलपी ग्रुप डी, लेकिन आप सभी को पता है कि एएलपी और आप सभी का आरआरबी जेई में जो सीबीटी 1 एग्जाम हुआ था उसका सिलेबस और एनटीपीसी ग्रुप डी का सिलेबस सेम है। तो आपको हर एक एग्जाम देना है। अब एग्जाम कैसे देंगे सबका, पहले आप ये देख लो, एनटीपीसी ओपन करेंगे, ऊपर में ओपन करेंगे, आपके सामने टोटल 30 सेट यहां पर है, तो 30 सेट आपको देना है एग्जाम से पहले ताकि आप जज कर पाओ। प्लस ग्रुप डी में आप देखेंगे पूरा आपके पास 30 सीट यहां पर है, तो ये भी देना है। ये नहीं कि एनटीपीसी दे रहे तो ग्रुप डी नहीं देंगे, ग्रुप डी और एनटीपीसी का पैटर्न सेम है, तो 60 ये हो गए। प्लस आरआरबी लेवल 1 खोलेंगे तो यहां पर आपको 20 मिल जाएगा, 60, 20, 80, ये हो गया 80 सेट। एएलपी में आपको मिल जाएगा 10, यानी 90 सेट। आरआरबी जेई यहां पर, आरआरबी जेई में स्टेज 1 वाला, यहां पर आपको 10 मिल जाएगा, तो टोटल हो जाएंगे आपके 100 टेस्ट आपको देना है। आप सोच लो आप डेली 2 देंगे, 3 देंगे, लेकिन देना है। देने के बाद अपने आप को जज करना है डेली कि मेरा गलती कितना है। पक्का
100% रिजल्ट आता है। स्टूडेंट बोलते हैं भैया मॉक टेस्ट देने के बाद 15-20 मेरा नंबर 10-12 नंबर इंक्रीज होने लगा है, ताकि क्या होता है वो अपना गलती देख रहे हैं, एग्जाम से पहले गलती क्या कर पा रहे हैं। अब एग्जाम कैसे देना मैं पहले आपको वो दिखा दे रहा हूं। मान लो, और एक बात, अगर आप बस एनटीपीसी बाई करेंगे तो 149 में आपको बस 30 सेट ही मिलेगा और ज्यादा नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं ऊपर वाला जो ये है ना 349 वाला पैक, ये बाई करिएगा, ताकि 349 में जितना भी एग्जाम है हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा पूरे साल भर के लिए। अगर आप बस एनटीपीसी का बाई करते हैं तो बस आपको एनटीपीसी का ही मिलेगा, लेकिन आपको मैं बोलूंगा पूरा बाई करना। अगर आप मान लो टेस्ट कैसे देना है, आप एनटीपीसी का टेस्ट देना है, ठीक है, तो यहां पर देखेंगे दो टेस्ट आपको फ्री मिल जाएगा जो आप दे सकते हो, लेकिन बाकी पर लॉक लगा रहेगा। बाई कर लेंगे 349 वाला तो आपका पूरा का जितना टेस्ट है लॉक खुल जाएगा। थर्ड नंबर टेस्ट कैसे देना है, देखो यहां पर बाई करने के बाद टेक टेस्ट है, इस पर ओपन करना है। जैसे ही ओपन हुआ देखो क्वेश्चन इंग्लिश में आ रहा है, इसको हिंदी में कैसे करना है, तो यहां पर कोना में कॉर्नर में आपको दिया गया लैंग्वेज चेंज करने के लिए, लैंग्वेज चेंज, स्पीड टेस्ट दिए, टेस्ट देने के बाद पूरा, और यहां पर देखेंगे आप सभी का टाइमर भी चल रहा है ऊपर में। पूरा टेस्ट देने के बाद सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद आपका रैंक दिखाएगा, रैंक दिखाएगा, साथ साथ दिखाएगा हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी। जैसे मैं आप सभी को दिखा दूं यहां पर, मान लो इस पर देख रहे हैं एक वाले में, यहां पर आप सभी देख पाइए टोटल 5530 स्टूडेंट एग्जाम दे चुके हैं अभी तक। बहुत जन लिए, बहुत जन बोले भैया बहुत फायदा होता है। अब आपको क्या करना है, बाई कैसे करना है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। मान लो आपको ये 349 वाला जो है ये बाई करना है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज खुल जाएगा, तो अपना फोन नंबर देकर लॉगिन हो जाइएगा। फोन नंबर जो भी आपके बैंक में, आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, वैलेट से पेमेंट कर सकते हैं। अब लॉगिन करने के बाद मैं नेक्स्ट पेज पे जाकर आपको दिखाता हूं। जैसे ही मैंने यहां पर नंबर दिया, यहां पर ऑप्शन आ गया आपका फोन पे का या गूगल पे, जिससे आपको बाई करना है। यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं, यहां पर आप देखेंगे अदर मैथड में जाएंगे तो आपका यहां पर देखिए वैलेट, यूपीआई, नेट बैंकिंग, कार्ड, किसी से भी आप पेमेंट कर पेमेंट करने के बाद 5-10 सेकंड रुकिएगा, सक्सेसफुल होने के बाद आपका जो है वो पूरा पैक खुल जाएगा। आई होप आप सभी समझ पाए होंगे कैसे पेमेंट करना है, कैसे टेस्ट देना है, सब कुछ। अब आगे देखिए वीडियो में क्या बोल रहा हूं आप सभी के साथ।